नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूँ बेनजीर हाशमी। खबरों की शुरुआत करेंगे पहले दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की खास खबरों की। कोलकाता रेप मर्डर केस में आरोपी का साइकोलॉजिकल टेस्ट जारी, वहीं भाजपा के पूर्व सांसद लॉकेट चटर्जी को समन हुआ जारी। दरअसल ट्रेनी डॉक्टर की पहचान उजागर करने का लगा है आरोप। झारखंड में सियासी हलचल तेज, पूर्व सीएम चंपई सोरेन 6 MLA के साथ दिल्ली रवाना, बीजेपी के बड़े नेताओं से कर सकते हैं मुलाकात। कयास लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर गुलाम नबी आजाद को साथ लाना चाहती है कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस में वापसी की अटकलों को पार्टी ने किया खारिज। राजस्थान के 100 हॉस्पिटल को मेल के जरिए बम से उड़ाने की मिली धमकी, जिसमें लिखा अस्पताल में सभी मारे जाएंगे। बता दें इससे पहले भी कई बार ऐसी धमकी का निकाला गया झूठा मामला। जम्मू में अकेले चुनाव लड़ेगी भाजपा, प्रदेश अध्यक्ष का कहना कश्मीर में निर्दलीयों से गठबंधन कर सकते हैं। देहरादून ISBT पर बस के अंदर किशोरी के साथ गैंग रेप करने का मामला आया सामने, 4 दिन बाद हुई FIR। आपको बता दें कि 3 बस ड्राइवर समेत 1 कंडक्टर और 1 कैशियर गिरफ्तार। शिमला में फिर फटा बादल, 132 सड़कें हुई बंद, MP यूपी राजस्थान समेत 19 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी। हरियाणा में सरकारी भर्तियों में महिलाओं के सीने की माप को लेकर सरकार ने किया बड़ा बदलाव, फिजिकल टेस्ट में छाती मापने पर लगी रोक। यूपी में हुआ बड़ा सड़क हादसा, बुलंदशहर में बस पिकअप की टक्कर में 10 लोगों की हुई मौत, 37 लोग हुए घायल, ग्रामीणों की मदद से अस्पताल भिजवाया गया। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियां, अब बात करते हैं हरियाणा की खास खबरों की। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम लिए बिना ही कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बड़ा एक और नेता आ गया है, जो कहता है कि यदि हरियाणा में उसकी सरकार बनी तो वह बिजली के मीटरों को ही उखाड़ फेंकेगा, लोगों को 24 घंटे बिजली देंगे। दरअसल विधानसभा चुनावों की घोषणा होने के बाद छिछरौली अनाज मंडी में भाजपा की तरफ से जन आशीर्वाद रैली का आयोजन किया गया, जो रैली कृषि मंत्री कंवर पाल की तरफ से आयोजित हुई। इसमें मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद रहे। उन्होंने भाजपा सरकार की 10 साल की उपलब्धियों को लोगों के सामने गिनवाया। साथ ही सैनी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि छछरौली की धरती से तीसरी बार हरियाणा में भाजपा सरकार का शंखनाद हुआ है। मंत्री कंवरपाल ने इस क्षेत्र में हुए कार्यों का हिसाब आपको दे दिया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास आज बोलने का कुछ नहीं है, जब उनके पास कुछ नहीं बचा तो वह हिसाब मांगने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। वहीं NDA के घटक दल हरियाणा लोकहित पार्टी के अध्यक्ष एवं सिरसा के विधायक गोपाल कांडा ने शनिवार रात को नई दिल्ली में भाजपा के विधानसभा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। दरअसल हलोपा ने प्रदेश के आधा दर्जन विधानसभा सीटों पर दावेदारी जताते हुए भाजपा के समक्ष गठजोड़ का प्रस्ताव रखा। वही केंद्रीय मंत्री एवं विधानसभा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने हलोपा द्वारा मांगी जाने वाली सभी सीटों पर चर्चा के उपरांत इस संबंध में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत करने का भरोसा भी दिलाया। बताते चले कि हलोपा अध्यक्ष गोपाल कांडा की भाजपा में रणनीतिकारों के साथ यह दूसरी बैठक है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गोपाल कांडा के साथ तीसरी बार बैठक रक्षाबंधन के पर्व के 3 या 4 दिन बाद आयोजित करने की बात कही है। तब तक पार्टी हलोपा द्वारा मांगी जाने वाली विधानसभा सीटों पर शीर्ष नेतृत्व के साथ चर्चा कर लेगी। हरियाणा के पूर्व गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद JJP विधायकों के पार्टी छोड़ने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह तो पहले ही टूटे हुए थे और ये कभी भी साथ नहीं थे। अनिल विज ने कहा कि ये विधानसभा के सदन में भी साथ खड़े नहीं होते थे, ये राजनीति तौर पर घोषणा नहीं कर सकते थे। अब क्योंकि चुनाव घोषित हो चुके हैं और ज्यादा महत्व नहीं रहा, इसलिए ये पार्टी छोड़ने की घोषणा कर रहे हैं। साथ ही कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के चुनाव में भाजपा की विदाई के बयान पर विज ने तंज कसते हुए कहा कि सुरजेवाला किस पार्टी की ओर से ये कह रहे हैं और कौन सी पार्टी। साथ ही उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि यह तो कुनबे की गैंग है, जो हरियाणा को लूटने में ठगने के लिए चुनाव में एक समय इकट्ठे हो जाते हैं। जिस पार्टी के अंदर 16 साल से चुनाव ना हुए हो, बल्कि चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेते हुए इस पार्टी की मान्यता रद्द कर देनी चाहिए। साथ ही कहा कि कांग्रेस पार्टी में प्रजातंत्र ही नहीं है।
विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान होते ही जसपा पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल दुष्यंत चौटाला के करीबी विधायकों ने ही इस्तीफा दे दिया। दरअसल आपको ये भी बता दें कि हरियाणा में जसपा पार्टी के पास अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, नैना चौटाला के अलावा कोई चेहरा भी नहीं बचा है। जसपा को सबसे बड़ा नुकसान किसान आंदोलन की वजह से हुआ है। आंदोलन के दौरान जसपा भाजपा के साथ सरकार में शामिल थी। पिछले विधानसभा चुनाव की किंग मेकर जननायक जनता पार्टी संकट में है। पार्टी के सामने बड़ी चुनौती ये भी है कि 90 विधानसभा सीटों में एकजुट होकर भाजपा कांग्रेस का मुकाबला कैसे किया जाए। विधायक और पार्टी कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। पार्टी के पास अब सिर्फ कुछ ही विधायक बचे हैं। हालांकि पार्टी का दावा है कि वह मजबूत स्थिति में है और सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बताते चले कि बीते लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 10 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारे, मगर कहीं भी जीत हासिल नहीं हुई। तो ये थी दिनभर की कुछ ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।